अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये भी टका टक है, बहुत ज़बरदस्त है, घरों में बनाइए, आप देखेंगे कि बाज़ार से बहुत अच्छा ये बनेगा और रेसिपी को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत है। चलें जी, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए जी बीफ, 1 किलो हमने बीफ लेना है और लेमन का जूस लेना है, सोया सॉस लेनी है हमने 3 से 4 टेबल स्पून। सबसे पहले हम बीफ को छोटी छोटी कर लेंगे और उसको हम मैरिनेशन कर लेंगे। सोया सॉस डालनी है हमने, चिली सॉस डालनी है, वाइट विनीगर डालना है। अगर आप दूसरा विनीगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने इसमें ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो भी ऐड कर देने हैं। ड्राई स्पाइसेस हमारे इतने को खास नहीं है, रोटीन की हांडी के जो नमक मिर्च धनिया और हल्दी है वो हमने इसमें यूज़ करनी है। उसके बाद हमने इसको मैरिनेशन करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटा रख देना है। फिर हमने इसे कुकर में गला लेना है, 1 गिलास पानी का हमने डालना है और अच्छी तरीके से हम इसे प्रेशर लगाकर गला लेंगे। चलिए, इसको हमने प्रेशर लगा दिया है, उतनी देर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए दूसरों के साथ, अपनी फैमिलीज में, अपने फ्रेंड्स में। अब हमने इसके लिए मसाला तैयार कर लेना है। मसाले में हमने प्याज, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन की पेस्ट और ये सब कुछ हमने रख लेना है। एक बड़ा सा तवा हमने लिया और उसे हमने अपने स्टोव पे रख के इस पर हमने ऑयल डाला 3 से 4 टेबल स्पून। देखें कितना कम ऑयल है, इसमें ही हमारा तैयार हो जाएगा। और इसमें हम डालेंगे जी प्याज अपनी। जब प्याज हो जाएगी तो फिर इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देनी है और बाकी सारी चीज़ें इसमें डालकर हमने अपना जो बीफ का मसाला है, बॉडी है, गला के रखी हुई है, टेंडर होगी खूब नरम सी अच्छी सी, वो हमने इसमें ऐड करके उसे पका लेना है। चलिए आइए, शुरू से लेके एंड तक रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, साथ में रहिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।